मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ पर यह टोपी नहीं उतार सकता। ये शब्द हैं एक निर्भीक कद्दावर राजनेता हिमालय पुत्र भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के। आज उनकी जयंती है, इस अवसर पर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। हम जानेंगे उनके संपूर्ण परिचय को, उनकी मुख्य विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे उनके राजनीतिक जीवन पर, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर और जानेंगे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को। यह सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, एज ए मोटिवेशनल वीडियो भी यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, इसलिए आप इस सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस विशेष अंक को। आज हिमालय पुत्र भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती है, इस अवसर पर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके पथ चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। इस सेशन में हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत के संबंध में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सेशन एज ए मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया था, तो इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था, यानी आज ही के दिन 1887 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान था खूंट गांव में, जो कि जनपद अल्मोड़ा और वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। उस समय यह क्षेत्र संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है अल्मोड़ा जनपद। इसके अतिरिक्त इनकी माताजी का नाम था गोविंदीबाई, पिताजी थे इनके मनोरथ पंत और इनके नाना का नाम था बद्रीदत्त जोशी। इनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी का इनके व्यक्तित्व पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इनके जीवन को एक सही दिशा देने में इनके नाना की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी था। इसके अतिरिक्त इनकी यदि प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, तो गृह जनपद अल्मोड़ा में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके उपरांत उच्च शिक्षा के लिए यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ म्यूर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए इन्होंने कई उच्च कोटि के नेताओं से परिचय प्राप्त किया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्यूर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए उन्होंने कई उच्च कोटि के राजनेताओं से परिचय प्राप्त किया, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। इनके पेशे की बात करें तो यह पेशे से वकील थे, एक कद्दावर राजनेता थे, एक कुशल प्रशासक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यह इनका पेशा था और पहाड़ से लेकर संसद भवन तक इनकी काफ़ी अच्छी पहुँच थी, यानी यह अपने समय के एक कद्दावर और उच्च कोटि के दूरदर्शी राजनेता थे। इनकी विशेषता यदि हम जानना चाहें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी सदैव खादी के वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे, यानी यह खादी पहनते थे। एक दिन अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उन्हें टोपी पहनकर कोर्ट में प्रवेश करने पर आपत्ति प्रकट की। इस पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अंग्रेज मजिस्ट्रेट को बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया और कहा कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं पर यह टोपी नहीं उतार सकता। इस प्रकार के निर्भीक, निडर और कद्दावर नेता थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अंग्रेज शासन के दौरान इनके अंदर काफ़ी अच्छा आत्मविश्वास था अपने देश के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए, और यह खादी को बड़े शौक से, बड़ी शान से पहनते थे।
वह रचनात्मक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, यानी काफ़ी क्रिएटिव थे। वह एक कुशल प्रशासक थे और दूरदर्शी राजनेता थे, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। तो इनके अंदर कई प्रकार की प्रतिभाएं थी, प्रतिभा के धनी थे और काफ़ी उच्च कोटि के यह दूरदर्शी राजनेता थे। अब हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। पंत जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे, तो यही इनके भी राजनीतिक गुरु थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक उदारवादी नेता थे, यानी नरम दल के नेता थे और उदारवादी विचारधारा को यह अपने में समाये हुए थे। यदि इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो यह इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक कद्दावर नेता उस समय के थे, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए किए। सन 1903 में पंत जी ने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की। उस समय यह आयु में छोटे थे और 1903 में इन्होंने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। सन 1905 में बनारस में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं सेवक के रूप में इन्होंने भाग लिया। सन 1909 में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और लैम्सडेन अवार्ड से सम्मानित किए गए। उन्होंने अच्छी श्रेणी के साथ कानून की डिग्री प्राप्त की, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और लैम्सडेन अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके उपरांत पंत जी अल्मोड़ा आए और वहाँ वकालत इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो कानून की डिग्री लेने के उपरांत यह अल्मोड़ा आए और वहाँ पर इन्होंने कानून की जो तैयारी थी वह शुरू कर दी। और सन 1914 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की। तो यह फैक्ट्स कई बार पूछा जाता है कि प्रेम सभा की स्थापना कब हुई 1914 में, और काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सन 1916 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के यह मेंबर चुने गए 1916 में। इनका राजनीतिक जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और सन 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, उस समय इन्होंने इसके गठन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। सन 1921 में गांधी जी के बुलाव पर यह असहयोग आंदोलन के माध्यम से राजनीति में आ गए। तो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान यह गांधी से मिले और राजनीति में आ गए। इसके बाद सन 1923 में वह स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। तो 1923 में जब स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश है वहाँ की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं और सभी तथ्यों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। इसके उपरांत सन 1927 में वह संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी के सदस्य यानी अध्यक्ष चुने गए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पंडित नेहरू के प्राणों की रक्षा करते समय गंभीर शारीरिक चोटें इन्हें आई। तो जब 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें पंडित नेहरू के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग किया गया, तो पंडित नेहरू के प्राणों की रक्षा करते समय इनको काफ़ी शारीरिक चोटें आई और कहा जाता है कि इन चोटों की वजह से आजीवन उनका सिर कांपता रहा, उनकी गर्दन कांपती रही। इसके बाद सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चला, यानी डांडी मार चला। अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पर कर लगाया जाता था उसके विरुद्ध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक यात्रा की और कुमाऊं कमिश्नरी में इस सत्याग्रह का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत ने किया। तो कुमाऊं कमिश्नरी की तरफ से नमक सत्याग्रह में नेतृत्व पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया।
सन 1931 में प्रसिद्ध पंत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो भूमि सुधारों पर आधारित था। तो यह फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1931 में प्रसिद्ध पंत प्रतिवेदन यानी पंत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो कि भूमि सुधारों पर आधारित था। सन 1934 में वे अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तो अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य यह 1934 में निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के यह एक कद्दावर नेता थे। सन 1937 में इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना, यानी पहला कांग्रेसी कैबिनेट का गठन किया गया और पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1937 से 1939 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो यह उत्तर प्रदेश यानी उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे, इसके मुख्यमंत्री यह रहे 1937 से 1939 तक। उसके बाद भी यह मुख्यमंत्री रहे हैं 1946 से 1954 तक, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। 9 अगस्त 1942 को उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मुंबई में गिरफ्तार किया गया और 31 मार्च 1945 तक अहमदनगर के किले में नज़रबंद रखा गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उस दौरान उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मुंबई में गिरफ्तार किया गया और अरेस्ट करने के बाद 31 मार्च 1945 तक उन्हें अहमदनगर के किले में नज़रबंद रखा गया। सन 1946 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में भी पंत जी निर्वाचित हुए और 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो आज़ाद भारत में भी यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, पहले यह 1937 से 1939 तक, उसके बाद 1946 से 1947 तक, फिर 1947 से 1954 तक, यानी तीन बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो यूपी के यह पहले मुख्यमंत्री बने, यह भी इनके लिए काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल करना था और उनकी राजनीतिक छवि इतनी अच्छी थी कि उन्हें इतने बड़े पदों से सुशोभित किया गया। 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बने, तो यह होम मिनिस्टर भी बने और इनके समय में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, और उसके बाद राज्यों का बंटवारा किया गया यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत देश के गृह मंत्री थे यानी होम मिनिस्टर थे और उसी समय भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया आप जानते हैं। और इसके उपरांत अपने देहांत तक यानी 7 मार्च 1961 तक वह इस पद पर पदासीन रहे। तो 1955 से 1961 तक वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के पद पर पदासीन रहे। 26 जनवरी 1957 को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। तो एक सफल राजनेता, एक कद्दावर प्रशासक और दूरदर्शी व्यक्तित्व होने के कारण अपने संपूर्ण जीवन को देश के लिए समर्पित करने के उपरांत 26 जनवरी 1957 को गृह मंत्री पद पर रहते हुए इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो यह भी एक गर्व की बात है कि उत्तराखंड से भारत रत्न पाने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत एकमात्र व्यक्ति हैं। और इसके बाद 7 मार्च 1961 को 73 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में भारत देश के इस महान सपूत का पक्षाघात के कारण निधन हो गया, यानी अटैक आने के कारण इनका देहांत हो गया। तो 7 मार्च 1961 को इनका निधन हुआ। अपने 73 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने पहाड़ से लेकर पूरे देश में अपना बिगुल बजाया और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, देश के लिए कार्य किया। यह एक कद्दावर राजनेता थे, एक कुशल प्रशासक थे, तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। पंत जी की प्रमुख कर्मस्थली काशीपुर रही, इसलिए अंग्रेजों ने काशीपुर को गोविंदगढ़ कहा था। तो इन्होंने काशीपुर में काफ़ी वकालत की, अल्मोड़ा में भी वकालत की। तो पंत जी की कार्यस्थली कर्मस्थली मानी जाती है काशीपुर, इसलिए अंग्रेज काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा करते थे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पंत जी के नेतृत्व में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह हुआ था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नैनीताल में झंडा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में यह हुआ था। उधम सिंह नगर में स्थित पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए, और 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो कि एशिया का एक बड़ा और काफ़ी सुव्यवस्थित और कृषि की दृष्टि से एक विख्यात कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि उत्तराखंड में पंत नगर में स्थित है। पंत जी पर 1965 में तथा 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा हेतु 1957 ईस्वी में पंत जी की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था, जिसे पंत समिति भी कहा गया। इस समिति ने अपना प्रत्यावेदन 1959 में दिया था, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके लिए कोशिश की। और राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा हेतु 1957 ईस्वी में पंत जी की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था, जिसे पंत समिति भी कहा जाता है, और इसने अपना प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट 1959 में भारत सरकार को प्रस्तुत की। और आखिरी में हम यहाँ पर जानते हैं, इन्होंने सन 1925 में घटित काकोरी कांड केस की पैरवी भी की थी, क्योंकि यह एक कद्दावर वकील थे और इनकी जो वाक शैली थी, इनका जो आत्मविश्वास था, वह काफ़ी उच्च कोटि का था। तो काकोरी कांड में, जो कि 1925 में हुआ था, उस समय अंग्रेजों के जो ट्रेन थी, खजाना उसमें से लूटा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां का नाम आपने सुना होगा, तो उनको बचाने के लिए इसमें इन्होंने पैरवी की थी, इस केस को इन्होंने लड़ा था। तो इस प्रकार हमने इनके बारे में सारे फैक्ट जाने। मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। हमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत के संपूर्ण जीवन को समझना चाहिए, उनके दर्शन को समझना चाहिए, उनके द्वारा किए गए राजनीतिक सामाजिक कार्यों को समझना चाहिए और अपने जीवन में इन्हें उतारना चाहिए। ऐसे कद्दावर नेताओं की वर्तमान में आवश्यकता है, जो निस्वार्थ भाव से देश हित में, समाज हित में, लोक हित में कार्य करें और अपने देश के लिए मर मिटने की एक प्रकार से सबके अंदर जागरूकता पैदा करें। ऐसे महान सपूत को हम पुनः भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उनके पद चिन्ह पर चलने की सब भारतवासियों की तरफ से प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, ऑल द बेस्ट।